बिहार पर ज़्यादा फोकस किए हुए हैं और उत्तर प्रदेश और बिहार में इस समय पार्टी के संगठन का विस्तार भी हो रहा है और समीक्षा बैठक के लिए चल रही है और जहाँ जहाँ हमारा बूथ कमजोर है वहाँ पर समीक्षा करके उसको बंदोबस्त किया जा रहा है। इसके साथ साथ जो सुहृदय भारतीय समाज पार्टी विचार धारा है बड़े पैमाने पर लोग पार्टी से जुड़ने का भी काम कर रहे हैं और सिर्फ राजभर ही नहीं चाहे जिस भी कम्युनिटी के हों माने नेता जी के विचारों से प्रभावित हो लोग सुहृदय भारतीय समाज पार्टी बहुत सारे आप के राजभर हमारे साथ विषय देखा जा रहा है कि वो लोग देखिए जो विचारधारा से सहमत नहीं होगा वो कभी मेरे साथ नहीं खराब हो सकता है। देखिए दूसरी चीज़ ये सहेल भारतीय समाज पार्टी पर लोगों का विश्वास है, जिन लोगों को हो सकता है अवसर प्राप्त न होता हो, जो अवसरवादी प्रवृत्ति में लिप्त हो चुके हैं तो उनको अच्छी चीज़ें कभी भी अच्छी नहीं बात नहीं हो सकता है। तो मैं भी प्रयास यही करता हूँ कि जो खराब लोग हैं वो सहेल भारतीय समाज पार्टी से दूर रहे तो ठीक है, क्योंकि स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी साबित पार्टी है, अंतिम व्यक्ति के हक अधिकार की लड़ाई लड़ती है। जो स्वयं देव भारतीय समाज पार्टी सदैव प्रयास करती है गलत अब सही को सही साबित करके दिखावे और इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश नहीं देश स्तर पर अंतिम व्यक्ति जो है परेशान है सामाजिक शैक्षणिक राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से ऐसे समस्याओं का निदान भी कराया जा सके और ऐसे लोगों को मजबूत करने के लिए सरकारी जो सुविधाएं हैं उसको जनता को बताने के लिए प्रयास कर सके, प्रयास करके वो सुविधाएं उनको उपलब्ध किया जाए। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। अभी आज के 3 दिन पहले हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात किया था और इसी मसले को लेकर आते और मुझे खुशी इस बात की है कि माननीय मुख्यमंत्री जी से जितनी बार हम मुलाकात करते हैं SP आरक्षण की प्रक्रिया को जरूर कुछ न कुछ आगे गतिमान करते हैं। जितनी बार हम लोग मिलने का रिजल्ट ये रहा कि अब सर्वे 17 करोड़ों का सर्वे हुआ, रिपोर्ट तैयार हुई और रिपोर्ट शोध संस्थान में लगभग 4 महीना से वो रिपोर्ट पड़ी हुई, तो हम लोग भी वेट कर रहे थे कि भाई सदन में इस बात को आना चाहिए था लेकिन सदन में नहीं आ पाई बात। तो हम लोगों ने योजना बनाया मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस पे थोड़ा सा और पहल करने की आवश्यकता है, उनको ब्रीफ करने की आवश्यकता है और उस दिन मिले माननीय मुख्यमंत्री जी से शोध संस्थान से फाइल शोध होकर के अब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए भेजने का हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया। ST आरक्षण पर बहुत सारे संगठन लोग बिगड़ रहे हैं, उनका कमेंट है हमारे पास, हमारे ऊपर उनका कमेंट है कि ये अवसर का लाभ उठा रहे हैं। अरे भाई आप दौड़ रहे हैं न्यायालय में, न्यायालय आदेश देगा सरकार को, अब सरकार में भी तो वकील चाहिए ना, आपके इलाहाबाद हाई कोर्ट में संगठन के वकील हैं तो वकील तो सरकार को तो चैलेंज करेंगे नहीं, तो सरकार में भी तो वकील चाहिए, तो सरकार में वकालत हम कर रहे हैं। तो अब इससे अगर किसी को दिक्कत हो तकलीफ हो तो वो उनका विषय है, उनके कहने से उनके विरोध करने से उनके कुछ टिप्पणी कर देने से हम अपनी आदत में सुधार लाने वाले नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये कि उसी समाज से हम भी हैं और एक बड़ा तबका हमारे साथ खड़ा है तो उनसे तो कुछ लोग पूछते होंगे, हमसे बहुत सारे लोग पूछते हैं तो उनको हम जवाब क्या देंगे। जब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं उनसे बात करते हैं फाइल हमारी आगे बढ़ती है तो मुझे खुशी होती है और सबसे अच्छी बात यह है कि फाइल जितना आगे बढ़ता है उसकी रिपोर्टिंग भी माननीय मुख्यमंत्री कार्यालय से हमारे तक आती है। ये बात आ रही है सामने कि आप कई बार आपने प्रस्ताव किया है, तो प्रस्ताव बस किताबों में या दफ्तरों में तक क्यों सीमित रह गया? देखिए ये इसलिए हो रहा था क्योंकि इस पे मजबूती से पहल नहीं हो पा रही है और पहल न होने की वजह से सिर्फ ये न्यूज़पेपरों में और खबरों में बन करके रह जाती थी। इस पे अब इसको बताएंगे तो लोग पता नहीं ट्रस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, वो करें या ना करें वो उनका विषय है, लेकिन हम बस एक संकल्प हमारा है कि हमारे समाज की 4 पीढ़ी बर्बाद हो गई, 4 पीढ़ी के लोग लड़ झगड़ करके कम से कम आज सुहृदय भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय माननीय नेताजी ने लड़ करके कम से कम देश नहीं पूरे विश्व स्तर पर बड़े पैमाने पर राजभर समाज का नाम रोशन किया। इसके साथ साथ जो अतिपिछड़े पिछड़े दलित समाज के लोग थे अल्पसंख्यक समाज के लोग थे इनका विश्वास पार्टी के प्रति जागृत हुआ। तो हम लोग जैसे जब लखनऊ रहते हैं तो समाज कल्याण अधिकारी से मिलना, उनके ऑफिस में जाकर के फाइल को निकलवाना, फाइल में क्या कुछ चल रहा है उसको आगे बढ़वाना, अब ये तो हम बाजा बजा के तो करेंगे नहीं कि हम अगर जा रहे हैं समाज कल्याण अधिकारी से मिलने जा रहे हैं तो इसको बाजा बजा के चले पूरा नगाड़ा बजा करके हम जा रहे हैं मिलने जा रहे हैं। हमारी जो जिम्मेदारी है हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको हम करने का काम करते हैं। बाकी ये मैं भी यही चाहता हूँ कि ये जो ST आरक्षण का प्रकरण है ये सिर्फ न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनल में और पोर्टल पर आकर के रहना चाहिए, ये यहाँ से जब तक मैं ये भी आज आपको स्पष्ट कह दे रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी स्पष्ट रूप से हम लोग हमेशा कहते हैं
कि अरविंद जी इस पे आप लगे रहो, अधिकारियों से मिलते रहो, ये अधिकारी बदमाशी करते हैं, फाइल को दबा के रखते हैं, अगर आप कंटिन्यू इस पे काम करोगे तो ये फाइल कंप्लीट हो जाएगी, सारा सर्वे फर्वे हो जाएगा, सब कुछ होकर के मेरे टेबल पर आएगा, मैं इसमें दबा दूंगा। एक सवाल ये है कि आरक्षण को लेकर, एस पी आरक्षण को लेकर आपकी पार्टी रोड पर क्यों नहीं आंदोलन कर रही है, सिर्फ आप मुख्यमंत्री से मिलने जाते हैं और सिर्फ सिर्फ आप ही दो लोग को जाते हैं। अब पहले प्रश्न का मैं आपको उत्तर देता हूँ, अगर बिना धरना प्रदर्शन के रोड जाम किए, पहली बात तो आप इस चीज़ जान लीजिए, जो कह रहे हैं इस चीज़ को वो पहले अपना दिमाग ठीक कर लें। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आदेश है कि आप रोड को जाम नहीं कर सकते, पहली चीज। दूसरी चीज़ ये कि अब जहाँ धरना स्थल था, धरना स्थल भी खत्म हो गया, जो काम शांतिप्रिय तरीके से अगर हो रहा हो, जो काम शांतिप्रिय तरीके से और सुचारू रूप से वो गतिमान हो, तो फिर धरना देने की आवश्यकता क्या है, पहली चीज, पहले प्रश्न का उत्तर ये। दूसरे प्रश्न का उत्तर ये है कि जब लखनऊ में ओम प्रकाश राजभर, अरविंद राजभर ही उपलब्ध रहेंगे, तो हम राजेश यादव को, जब मेरे समाज का मसला है तो हम राजेश यादव जी को लेकर क्या करेंगे, वहाँ पर नित्यानंद पांडे को लेकर हम क्या करेंगे, फागू सिंह को लेकर हम क्या करेंगे, चौहान जी को लेकर हम क्या करेंगे। तो अन्य समाज में बहुत सारे बड़े लीडर हैं जो उनको भी ले जा सकते हैं, एकदम ले जाते हैं, बस फर्क इतना है कि जब अरविंद राजभर, ओम प्रकाश राजभर मिलते हैं तो खबर बन जाती है, और जब हमारे नेता हमारे निर्देश पर मिलते हैं तो खबर नहीं बन पाती है। बस हाँ, छोटे से ब्रेकिंग में आ जाती है पेपर में कि सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के डेलीगेट्स जाकर के तमाम मुद्दों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात की। 4 नवंबर को भी मेरी मुलाकात हुई, 4 नवंबर की खबर पूरे पत्रकार जगत में कहीं नहीं आया, पूरे पत्रकार जगत में 4 नवंबर को कहीं नहीं आया। 4 नवंबर को मैं और मेरे 6 पार्टी के पदाधिकारी जाके मिले थे, मिल करके मैंने प्रपोजल रखा था। जो एक्स पे जो सोशल साइट है आपकी, उस पर तो रिप्लाई होते कि हम तमाम लोगों के साथ गए होते, तो हो सकता था जो आपको ट्वीट कर रहे हैं या जो भी आपको ट्रेस कर रहे हैं उनको पता चल रहा है। कुछ प्रक्रियाएँ होती, अब जैसे मुख्यमंत्री कार्यालय से फोटो नहीं मिल पा रहे थे उसको काट दिया गया, तो अब तो हम जबरदस्ती जाके वहाँ मांगेंगे नहीं। पहली बात तो भाई उत्तर प्रदेश के सीएम हैं वो, अब उनसे पहले तो मिलने का टाइमिंग शेड्यूल वगैरह वगैरह रहता है, अगर वहाँ से फोटो नहीं आ पा रहा है, हालांकि 4 नवंबर के पहले भी हम लोगों की मुलाकात 3 से 4 बार हो चुकी थी, उसका भी फोटो नहीं आया, लेकिन उस दिन मुलाकात जब हुई तो उस दिन मुलाकात का सिलसिला जारी, फोटो आ गए। ट्विटर जो एक संगठन है आप ही जागो राजभर जागो, वो सीधे तौर पर यही कह रहे हैं कि हम अपने समाज की लड़ाई हम खुद लड़ रहे, और आप और आपके पिताजी इसको चुनावी मुद्दा बनाकर हमारे समाज को गुमराह करना चाहते हैं। मैं ऐसे बकवास प्रश्नों पर ना टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं कह रहा हूँ ना जिसको जो करना है वो करता रहे, हमें ठेका थोड़ी दे रहे, मैं पास इतना पूछ सकता हूँ। हाँ, इतना जरूर है कि जो हमारा समाज, जो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी में पूरी ताकत झोंका हुआ है, उस समाज को हिस्सेदारी प्राप्त करें, तो मैं मना किया हो गया। भारतीय जनता पार्टी भी बड़ी पार्टी है, वो भी लड़ाई लड़े ना इसकी, बहुजन समाज पार्टी है, समाजवादी पार्टी, कहाँ राजभर लीडर नहीं है, कोई जरूरी है कि कोई एक व्यक्ति ठेका लेके बैठा हो इसका। अरे हमारा जो प्रयास है हम कर रहे हैं, हम अपने संवैधानिक लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपने संगठन के लेटर पैड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो करें ना, मैं थोड़ी रोक रहा हूँ, मैं हाथ पकड़ रोका हुआ कि नहीं आपकी पतियाँ नहीं हो पाएगी, उन्हीं से पूछिएगा, वो भी कुछ डेलीगेट्स लेके गए, राज्यसभा सांसद साहब भी गए थे, तमाम हमारे टॉप के लीडर भी गए थे, परिणाम क्या आया उसका, आखिर हमें जाते हैं तो फिर ये खबर क्यों बन जाती है भाई, हम जब जाते हैं तो ये प्रशासनिक महात्मा क्यों उसमें आ जाता है, हरकत में आ जाता है कि ओम प्रकाश राजभर मिल रहे हैं, ये रिपोर्ट मांगेंगे हम लोग। अच्छा, ब्रजेश सिंह को जो चुनाव लड़ने की बात है साफ साफ आ रही है।